पाकिस्तान इंडिया में हम लोग रोटी खाते हैं ना, रोटी हम लोग रोटी खाते हैं, तो आप लोग रोटी के साथ क्रोकोडाइल का सूप पीते हो? नहीं 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 नहीं, ऐसे यार ऐसे क्या बात कर रहा है भैया जी यार। ऐसी चीजें सिर्फ थाईलैंड में होती हैं। तो अब लग रहा है कि हम लोग सही मायनों में थाईलैंड पहुंच चुके हैं और पहली वीडियो का आगाज करने जा रहे हैं बैंकॉक में, और वो भी रिवायती थाई लिबास में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थाईलैंड के बारे में मशहूर है कि थाईलैंड जो है वो एक पार्टी हब है, या अगर मैं इसको एशिया का एम्स्टर्डम कहूँ तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। यहाँ लोग सिर्फ पार्टी करने जाते हैं, या फिर वो सारी चीज़ें जो उनको अपने मुल्क में मैसर नहीं है वो सारी चीज़ें करने वो लोग थाईलैंड जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि जब भी इम्मी और तानी किसी भी नए मुल्क जाएं, हम उसको अपने तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। हम वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ का मज़ेदार खाना ट्राई करते हैं और वहाँ के सारे रंग निकाल के आप सबको दिखाते हैं। और वैसे आप लोग जानते हैं कि इम्मी और तानी जब किसी नए मुल्क जाते हैं तो ज़्यादा टाइम जो है वो शहरों में या बड़े शहरों में स्पेंड नहीं करते। ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वहाँ की देहाती लाइफ, वहाँ का जो रहन सहन है, जो लोकल्स करते हैं, वो सब कुछ करें और आप लोगों को दिखाएं। तो वो सब यहाँ पे भी होगा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं सिटी से, और यहाँ का सिटी मैसिव है, बहुत कुछ करने को है और वो सब हमारे ब्लॉग्स में हम शेयर करेंगे। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है वीडियो को। आज के क्रेजी दिन की शुरुआत होगी ग्रैंड पैलेस से, एंड टू गेट देयर वी नीड टू कैच अ टुक-टुक। तो होटल से हम निकल गए हैं, वी आर गोना वॉक आउट टू द स्ट्रीट, और वहाँ रोड पे बहुत सारी टुक-टुक्स जा रही होती हैं और हमें एक हेल करनी पड़ेगी लोकल स्टाइल। टुक-टुक आगे है, इधर एक क्रॉस द रोड विदाउट डाइंग, लेट्स गो। ग्रैंड पैलेस ज़्यादा बोल दिया। 80? अच्छा, यहाँ से ग्रैंड पैलेस जाने के लिए हमें टुक टुक मिल गया है, भाई बहुत अच्छे हैं, 80 में मान गए, विच इज रियली रेयर इन थाईलैंड। तो सुबह का आगाज़ जो है वो हो चुका है और बहुत ही ज़ोरदार किस्म के नोट के ऊपर सुबह का आगाज़ हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि हम लोग सुबह सवेरे टुक टुक लेके जा रहे हैं सबसे जो पॉपुलर टेंपल है ग्रैंड पैलेस जिसका नाम है वहाँ। अच्छा, रश का आलम ये है कि यहाँ पे चलने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ बे इंतहा हैं, और यही है मेरे ख्याल से बैंकॉक, यहाँ की हसल बसल, यहाँ की जो गहमा गहमी है वो पूरी दुनिया में मानी जाती है, और इसीलिए पूरी दुनिया के सयाह जो हैं वो थाईलैंड का रुख करते हैं, बिलखसूस बैंकॉक का। तो हम लोग अभी टुक टुक में सवार हैं और ये हमारी पहली टुक टुक राइड है बैंकॉक की, और बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, हमें जो भाई मिले हैं वो नहायत मज़ेदार किस्म के हैं। यहाँ पे ज़्यादातर जो टुक टुक वाले हैं वो आपसे ओवरचार्ज करते हैं या ज़्यादा पैसे मांगते हैं, मुंह बोले दाम मांगते हैं, लेकिन जहाँ पे हम लोग जिस जगह रुके हुए हैं वहाँ से मुश्किल से मेरे ख्याल से 100 या 80 भाग से ज़्यादा नहीं बनते थे, ज़्यादातर जो है वो 300-400 मांगते हैं। तो हमारी किस्मत अच्छी रही, भाई जो है वो 80 में हमें लेके जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस तक। What is your name, brother? Yeah. Name. Yes. Tomorrow? Okay, we'll see. तो टुक टुक ने हमें उतार दिया है बिल्कुल ग्रैंड पैलेस की जो मेन एंट्रेंस है उसके सामने। अब यहाँ से थोड़ी सी वॉक करके हमें जाना है जो मेन दाखिली रास्ता है, जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे टिकट ऑफिस बना होगा, वहाँ से जाके हमें टिकट लेना होगा। और एक और चीज़ से मैं आप लोगों को खबरदार कर दूँ, वो ये कि यहाँ पे अक्सर औकात ये होता है कि जैसे टुक टुक वाला आपको कहीं उतार रहा है, वहाँ पे ज़ाहिर है वो टूरिस्ट ही जगह है, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, सैयाह आते हैं, तो वहाँ पे जो दूसरे टुक टुक वाले या टैक्सी वाले खड़े होंगे तो वो हो सकता है आपसे ये कहें कि बंद हो गया है, क्लोज़ हो गया है, कल आना तुम, या फिर वो पैसे बनाने के लिए आपसे बोलें कि मैं तुम्हें अंदर ले जाता हूँ, थोड़े से पैसे मुझे दो, मैं तुम्हें टूर दे देता हूँ इस पूरी जगह का, तो तुम मेरे साथ आ जाओ। तो ये भी एक स्कैम होता है, तो इस चीज़ से अगर आप लोग, अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है तो होशियार रहें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं।
बिल्कुल एंट्रेंस पे ये टिकट ऑफिस बना हुआ है और ग्रैंड पैलेस की एक्चुअली थाईलैंड में सबसे महंगी टिकट है एट 500 बाट ईच, तकरीबन $30 बनता है। और ये टिकट लेने के बाद आपको एमरल्ड बुद्धा टेम्पल की भी एंट्री मिलती है और पूरे ग्रैंड पैलेस की जो पूरी कॉम्प्लेक्स है उस सारी की एंट्री मिलती है एज वेल एज द म्यूजियम। सो दैट इज द टिकट। सो नाउ वी आर गोना गो इनसाइड। तो थाईलैंड में 30,000 टेम्पल से ज़्यादा टेम्पल्स हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा विजिटेड और सबसे ज़्यादा फेमस टेम्पल है फॉर ऑब्वियस रीजंस। Where do you get these from? That's that. And then what about this? You put it there? Okay, okay. Light kar liye candle aur yahan rakhi thi candle. What? It's not working. It's not working. तो मेरे पीछे इस वक्त जो आप लोग आलीशान किस्म का मैमथ साइज पैलेस देख रहे हैं, तो भाई ये उस दौर में किंग का पैलेस हुआ करता था। तो ना सिर्फ किंग उस दौर में यहाँ पे रहा करते थे बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल्स होते थे, जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते थे, जो भी उनके रिश्तेदार होते थे, वो सारे इसी जगह रहा करते थे। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताता चलूँ, वो ये कि थाईलैंड जो है उस दौर में सयाम के नाम से जाना जाता था और उसके बाद जितने भी सयाम के किंग्स आए 1925 तक, वो सारे इसी जगह रहा करते थे। लेकिन अब इधर कोई नहीं रहता, इधर फंक्शंस और नेशनल इवेंट्स होते हैं एंड ऑफ कोर्स इट इज लाइक एन ओपन म्यूजियम जो कि सब लोग आके देखते हैं। अब हम जा रहे हैं एमरल्ड बुद्धा टेम्पल के अंदर और ये भी ग्रैंड पैलेस के ही कॉम्प्लेक्स में मौजूद है एंड इट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट सीक्रेट बुद्धिस्ट टेम्पल्स इन द वर्ल्ड। सो लेट्स गो इनसाइड। तो जब हम एमरल्ड बुद्धा टेम्पल के अंदर गए, सारे लोग बैठे हुए थे एज अ पोस्ट खड़े हुए थे और पूजा कर रहे थे लोग। साइड पे मॉन्क्स अपनी अलग पूजा कर रहे थे और बिल्कुल रूम के फ्रंट पे एक छोटा सा स्कल्पचर है विच इज़ एक्चुअली मेड इंटायरली ऑफ जेड। जो एमरल्ड बुद्धा है वो एक ग्लास बॉक्स में है एंड इट इज़ इंटायरली अप द टॉप और जो एक्चुअल बुद्धा है ही इज़ एक्चुअली डूइंग अ मेडिटेशन पोज। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू द लेजेंड एमरल्ड बुद्धा जो है वो ईयर 1434 में तामीर हुआ था और जिस शख्स ने तामीर किया था उसका नाम था नागासीना। नागासीना जो था वो बहुत ही वाइज और बहुत ही बाशऊर शख्स था और उस दौर के लोग जो हैं वो उसकी बहुत कदर किया करते थे, बहुत ज़्यादा उसकी बात को सुना करते थे। तो उसी ने ये एमरल्ड बुद्धा जो है तामीर किया था। अच्छा, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ कि एमरल्ड बुद्धा जो है जिस जगह तामीर हुआ था वो इंडिया में थी और आज भी वो इंडिया में ही है। आजकल वो पटना के नाम से जानी जाती है, उस दौर में उस जगह का नाम पतालीपत्रा था। अच्छा, तो ग्रैंड पैलेस एक्सप्लोर करके अभी हम लोग बाहर ही निकले थे और जैसे ही बाहर निकले हम लोग यहाँ पे मुख्तलिफ स्ट्रीट वेंडर्स, फूड वेंडर्स खड़े हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम लोग अप्रैल के महीने में आए थाईलैंड, तो गर्मी जो है वो टिका के पड़ रही है। लेकिन गर्मी का एक तोड़ है वो है ये ठंडा रिफ्रेशिंग कोकोनट वाटर। ये आपको थाईलैंड में हर जगह मिल जाएगा, भले आप छोटे से गांव में हो या बैंकॉक जैसे बड़े शहर में हो। तो इनाया को यहाँ पे, अभी हमारा तो रोज़ा है लेकिन इनाया को हमने यहाँ पे ठंडा रिफ्रेशिंग कोकोनट वाटर दिलाया। तो अब हम अपने रास्ते पे हैं फॉर आवर सेकंड टेम्पल और हम जा रहे हैं वाट अरुण टेम्पल जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स है थाईलैंड में। तो ग्रैंड पैलेस से हम लोग पहुंच चुके हैं वाट अरुण टेम्पल और बस टैक्सी से उतर रहे हैं, उसे सामान वामान निकालते हैं और फिर चलते हैं उस तरफ। फिर टैक्सी वाले ने थोड़ा सा हमें आगे उतारा है क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। हम लोग अभी इस वक्त वाट अरुण की बिल्कुल मेन एंट्रेंस के सामने खड़े हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं एक के बाद एक और यहाँ पे इस तरह के हिप्पी कपड़े मिल रहे हैं, हिप्पी पैंट्स मिल रही हैं, शर्ट्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेडिशनल थाई कपड़े हैं, जो ड्रेसेस यहाँ की लड़कियाँ या औरतें पहनना पसंद करती हैं, तो वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अगर आप हायर आउट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यूजुअली ये ब्राइडल ओकेजन या फंक्शन के ओकेजन में पहनी जाती हैं
और बेल्ट होती है काइंड ऑफ सिमिलर टू साड़ी आई थिंक हाउ मच वाले 50 150 75 प्लीज डिस्काउंट गिव डिस्काउंट वी हैव नो मनी नो मनी ओनली हनी 100 फाइनल 100 ओके ज़्यादा तो नहीं बोल दिया ज़्यादा ही बोल दिया अंकल मान गए फिर से बोले यार अच्छा तो इन पैंट्स के मैंने 100 बोला है और अंकल फ़ौरन मान गए तो मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा बोल दिया है मुझे 50 बोलना ठीक चाहिए था बड़ी खूबसूरत पैंट्स है वैसे You look good. तो भाई ने मुझे यहाँ पे तैयार कर दिया तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनली पहना जाता है जो यहाँ के लोकल्स पहनना पसंद करते हैं किसी भी त्यौहार पे या शादी ब्याह की तकरीब पे तो वो मैंने पहन लिया और ये पहन के हम लोग अंदर जाएंगे टेंपल में तो हम पहुंच चुके हैं वाट अरुण टेंपल और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेंपल्स है इन थाईलैंड फॉर रीजन सो दिस टेंपल्स नेम अरुण इज डिराइव फ्रॉम द हिंदू गॉड अरुणा जिसका मतलब है कि शाइनिंग ऑफ लाइट या लाइट रिफ्लेक्टिंग अच्छा इस टेंपल की हाइट जो है तकरीबन 86 मीटर तक है और हम लोग जिस टाइम पे पहुंचे हैं सूरज तकरीबन ग़ुरूब होने वाला है और लोग यहाँ पे जो है वो जमा होना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत ही अनरियल होता है तो ये पूरे टेंपल में अलग अलग किस्म का मटेरियल यूज हुआ है टू डेकोरेट इट एंड एज यू कैन सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट कलर्स अच्छा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वो जैसे चाइना के बर्तन होते हैं ना हमारी अम्माओं और दादियों के पास वो उन्होंने यूज़ किया हुआ है टू डेकोरेट दिस एक्चुअल टेंपल और छोटे छोटे उन्होंने ट्राइंगल्स काटे हुए हैं उसके और उसके फूल बनाए हुए हैं सो इट लुक्स रियली एक्सोटिक एंड इट इज़ लाइक स्टनिंग और हमारे साथ साथ यहाँ पे यू कैन प्रॉबली सी कि सारे लोग ड्रेसअप हुए हैं एंड दिस इज़ अ रियली रियली फेमस प्लेस टू कम एंड टेक योर पिक्चर्स इन ट्रेडिशनल क्लोज अच्छा तो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम लोग वहाँ के मुख्तलिफ सनसेट्स इन्जॉय करते हैं लेकिन यहाँ का सनसेट जो है ना इसने दिल जीत लिया हमारा बहुत खूबसूरत यहाँ से नज़ारे थे बहुत खूबसूरत यहाँ से मनाजिर थे अच्छा सबसे अच्छी बात ये थी कि काफ़ी लेवल्स बने हुए हैं तो हम लोग फुल ऊपर तक गए जहाँ तक हम जा सकते थे वहाँ से हमने खूबसूरत किस्म के सनसेट का जो है लुत्फ़ उठाया तो हम लोग वाट अरुण टेम्पल से निकल चुके हैं तकरीबन मगरिब जो है वो अभी होने वाली है वहाँ पे हमने थोड़ा सा सनसेट देखा था लेकिन अभी भी टाइम है क्योंकि सूरज यहाँ पे 6:30 तक जो है ग़ुरूब होता है अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ से वॉक करके जा रहे हैं एक बहुत मशहूर जगह जो यहाँ पे केनाल का नेटवर्क है बैंकॉक में वो बहुत खूबसूरत है सारे लोग जो बैंकॉक विजिट करते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं तो जिस जगह हम जा रहे हैं जिस केनाल को हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है उंग आंग केनाल अब पता नहीं मैं नाम सही ले रहा हूँ या गलत लेकिन इमसाल ने मुझे यही बताया और लोकल्स भी यही कह रहे थे और जिस जगह हम लोग थे वाट अरुण टेम्पल वहाँ से मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वॉक थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम वॉक करें और बाय फुट थोड़ा सा बैंकॉक को जो है एक्सप्लोर करें हम पहुंच चुके हैं उंग आंग कनाल और यूजुअली यहाँ पे शाम के वक्त बहुत रौनक होती है और जैसे कि हमारे सर के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं दीज आर यूजुअली टर्न्ड ऑन और यहाँ पे एक मार्केट लगती है लेकिन बिकॉज अभी अप्रैल का महीना है और अभी रिलीजियस काफ़ी सेलिब्रेशंस चल रही हैं मार्केट्स कुछ दिनों के लिए बंद हैं लेकिन दिस इज़ स्टिल डेफिनेटली अ रियली नाइस प्लेस टू रिलैक्स पूरा बैंकॉक अलग अलग कैनाल से जॉइंड है बट दिस वन इज डेफिनेटली द मोस्ट ब्यूटिफुली डेकोरेटेड कैनाल एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल्स पे बहुत सारी आर्ट वर्क और पेंटिंग्स हुई हुई हैं और कैफेज एक से बढ़ के एक क्या बने हुए हैं मार्केट और वो एक बेसिकली लंबी रोड होती है जो कि सबसे पॉपुलर आई थिंक टूरिस्टी रोड होती है और वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होंगी आई डोंट इवन नो कि वहाँ पे क्या होगा वी हैव नेवर बीन देयर बिफोर आज हमारा पहला दिन है यहाँ पे लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज हाईली रिव्यूड जगह है हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं बैंकॉक की मोस्ट हिप जगह पे जिसका नाम है खाओसान मार्केट तो खाओसान मार्केट जो है वो खाओसान रोड पे ही सिचुएटेड है और अगर आप लोग मेरे पीछे ये देख के सोच रहे हैं कि यार तानी भाई कहाँ खड़े हुए तो हम लोग जो है वो खाओसान में और यहाँ पे आपको बैंकॉक में इस तरह की मुतादिद जगहें नजर आएंगी लेकिन अभी हमने रोज़ा अपना अफ्तार इससे नहीं किया है पानी से किया और खजूर से किया है अब हम लोग हंट पे हैं कुछ हलाल खाना अगर हमें मिल जाए यहाँ खाओसान के एरिया में तो वो खाएं ये जो है ये हमारे मतलब की चीज़ नहीं है या मे भी हो पता नहीं
हैं बर्मा से ट्राई करेंगे एक इज इट हलाल यू नो हलाल ना ये होगा कहाँ से आपने पकड़ा ये कहाँ से ये थाईलैंड का है थाईलैंड का ही है थाईलैंड का ही है अच्छा तो यहाँ पे ये बहुत मतलब शौक से खाया जाता है बहुत मशहूर है ये चीज़ ये मशहूर है ये दवाई है दवाई ये दवाई है हम अच्छा। ये बच्चा लोग का कैसे दवाई है ये आप डॉक्टर को भी पूछ सकता है ये लोग आप तो इससे अगर कोई भी मतलब आपको मर्ज वर्ज है या कोई ये नहीं है ये बच्चा लोग का थोड़ा सा ये खांसी है ना खांसी ज़्यादा खांसी लग जाएगी तो ये दवाई है दवाई चीज़ है इसका ये दांत है ना दांत हम लोग घोट के ये घोट के है ना इसका झोल खाएंगे हम लोग अच्छा ये इसका दांत ये आप पाकिस्तान में मिलता है नहीं मिलता इंडिया में मिलता है नहीं मिलता लेकिन थाईलैंड में है पाकिस्तान इंडिया में हम लोग रोटी खाते हैं ना रोटी हम लोग रोटी खाते हैं रोटी तो आप लोग रोटी के साथ क्रोकोडाइल का सूप पीते हो नहीं ऐसे क्या बात कर रहा है भैया जी तंग कर रहा हूं मैं आपको हम लोग कैसे खाते हैं ये रोटी के साथ दाल सब्जी ऐसे अच्छा अच्छा आप लोग तो रोज रोटी खाता है सुबह हम थक जाते हैं रोटी खा खाकर लेकिन आप वैरायटी ये बना के नहीं थकता हम लोग ये बना के नहीं थकता इंडियन मूवीज देखते हो आप लोग हां देखता हूं आप अगराते हैं ना रोज रोज हाँ ये रोटियाँ मंगाती हैं रोज इसके हाथ भी बड़े ना बड़ी रोटियाँ मंगाती हैं आप रोज रोज घरा के नहीं थकता बहुत थकता बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आपका नाम क्या था सुमित भाई ऐसी चीजें सिर्फ थाईलैंड में होती हैं तो ये एक बेसिकली स्ट्रीट फूड कार्ट है सो यहाँ पे स्पाइडर मिल रहा है उसके अलावा बड़े बड़े साइज के कॉकरोच हैं देयर इज डिफरेंट इंसेक्ट्स एंड देयर इज अ रियली रियली स्केरी एंड कूल थिंग देव गॉट स्कॉर्पियंस ये 150 भात के अगर आपको ये खाना है डिनर में लेकिन मुझे नहीं लगता इससे पेट भरेगा ना सो आई जस्ट लव के इधर हर चीज़ इतनी लाइवली है लोग निकले हुए हैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और अजीब व गरीब चीज़ें मिल रही हैं खाने को हाँ ये क्या हो रहा है ओह वाओ तो जब हम थाईलैंड का सोचते हैं इट्स लाइक वी थिंक अबाउट अ फुल बॉडी मसाज लेकिन यहाँ पे रोड साइड मसाज की जगहें बनी हुई हैं और हमने हमेशा ये देखा था कि जो मसाज सेंटर होता है या जो मसाज की जगह होती है लोग अंदर जाके मसाज ले रहे होते हैं यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल फुटपाथ के ऊपर कर्ब के ऊपर जो है वो सीट्स और चेयर्स और सोफ़ास रिक्लाइनर्स जो हैं वो सेटअप किए हुए लोग यहीं पे लेट के आराम से चिल कर रहे हैं और रिलैक्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ मसाज भी ले रहे हैं तो हमारा प्लान ये है कि हम भी आ गए हैं और हमने देख लिया और लोग जिस तरह से हमें देख रहे हैं सो भी रहे हैं नींद में भी हैं तो हम भी यही करेंगे कि हम यहाँ पे लेट के जल्दी से मसाज लेते हैं और फिर बता देंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा हम इधर आ गए हैं डारिन स्पा और यहाँ पे 150 की 30 मिनट की मैं और तानी फुट मसाज लेने वाले हैं 25 मिनट्स फुट होगी और ये ऑयल मसाज की बात कर रहे हैं और फिर 5 मिनट्स आई थिंक वो बैक नेक और शोल्डर्स की करेंगे व्हाट्स योर नेम शराना अभी एक मिनट हुआ है शुरू किए हुए और अभी से आंखें जो है ना वो बंद होना शुरू हो गई हैं तो मसाज लेते हैं उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा मेरे ख्याल से मुझे कुछ बताने की और कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोग जो देख रहे होंगे उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं एक इंतहाई रिलैक्स स्टेट में हूँ इस वक्त इतना मेरे ख्याल से रिलैक्स मैंने सालों में फील नहीं किया होगा कमाल है यार पहुंच चुके हैं चाइना टाउन और अभी मतलब रात हुई है और ऑलरेडी हसल बसल स्टार्ट हो गई है और एक अलग ही रौनक है इस जगह की अलग सही में लग रहा है कि चाइना टाउन पहुँच गए हम
अच्छा तो चाइना टाउन की जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही है मुझे, वो एक तो ये कि यहाँ पे रौनक बहुत है, और बीच में जो है वो बिजी सड़क है, रोड है, जैसे हमारे कराची में सदर या इम्प्रेस मार्केट का जो इलाका है वहाँ पे हसल बसल बहुत होती है, रौनक बहुत होती है, बिल्कुल यहाँ पे भी वैसी नज़ारे हैं, वैसी मनाजिर हैं। और उसके साथ साथ दोनों तरफ राइट पे भी लेफ्ट पे भी मुख्तलिफ स्ट्रीट वेंडर्स हैं। मैं गाड़ी से बच जाऊँ कि गाड़ी वाला टक्कर ना मार दे। अच्छा चाइना टाउन जो है वो बैंकॉक की एक ऐसी जगह है, ऐसी स्ट्रीट है कि जहाँ पे आपको 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जो है रौनक मिलेगी, रश मिलेगा, लोग ही लोग होंगे यहाँ पे। लेकिन आज जो है मतलब इन दिनों जो है वो बिलखसूस ज़्यादा रश है, वो इस वजह से क्योंकि जो थाई लोगों का न्यू ईयर्स है वो आने वाला है, जिसका नाम है सोंगरान। तो सोंगरान जो है वो परसों शुरू होगा और हम लोग इत्तेफाक से उसी वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ पे शोर शराबा गहमा गहमी जो है वो और ज़्यादा है। अच्छा तो अब करना ये है कि हम जो है वो कुछ अच्छे से खाने की तलाश में हैं और भूख जो है वो शदीद लग रही है। अच्छा हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी जगह जाएँ जहाँ पर रश हो, वो एक इंडिकेटर होता है, उससे पता चल जाता है कि ये जगह जो है वो लोकल्स के बीच में भी मशहूर है और लोकल्स बैठ के खा रहे हैं। तो ये एक जगह मुझे अच्छा लग रही है जहाँ पे ज्यादा सी फूड स्ट्रीट है। इस वक्त इस रेस्टोरेंट पे इतना रश है, इवन तो ये बिल्कुल रोड पे बना हुआ है, देयर इज नोवेयर टू सिट डाउन, और यहाँ पे फ्रेश सी फूड मिल रहा है व्हिच दे विल कुक अप फॉर अस। लेकिन हम इस वक्त वेट कर रहे हैं एक टेबल का, तो होपफुली जल्दी टेबल खाली हो और हम कहीं बैठे। भूख बहुत लग रही है। यस ओके यू आर क्लीनिंग इट ग्रेट, थैंक यू। व्हिच वन इज द बेस्ट फिश? यस व्हिच वन इज द बेस्ट? यस एंड दिस। ओके यस नो स्पाइसी? यस वी लाइक स्पाइसी। हां या यस ओके वी विल गेट दिस वन प्लीज। या यहाँ पे हमने जो है वो एग फ्राइड राइस मंगवाए हैं, उसके साथ हमारे पास जो है वो स्टर फ्राइड नूडल्स हैं, और ये हमने श्रिम्प्स के साथ लिए हैं, और उसके साथ इनकी जो सबसे स्पेशलिटी चीज़ है वो है ये सी बैस डीप फ्राइड फिश, और इसके ऊपर 3 फ्लेवर इन्होंने कोई सॉस जो है वो इस्तेमाल किया, पूरा स्प्रिंकल किया है, वो डाला हुआ है इसके ऊपर, और उसके नीचे जो है इन्होंने पूरे सैलेड का बेड बनाया हुआ है। सबसे मज़ेदार चीज़ जो है वो ये है, लाल मिर्चों को जो है सिरके में ऐसे तोड़ के जो है काट के डाला हुआ है, और ये जो है ये लाजमी है, आपको पता है कि इसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। पहली बाइट बनाएंगे और साथ में जो है लेमन भी है, तो अक्सर औकात मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है कि वो फ्राइड राइस के ऊपर जो है हल्का सा लेमन जूस जो है वो डालते हैं। ये गया इसके ऊपर मिर्चें, बिल्कुल रिवायती जायका जो होता है यहाँ का थाई स्ट्रीट फूड का, बिल्कुल वैसी जायका है, बहुत मज़े का, बिल्कुल फ्रेश बना हुआ है। कभी हम लोग किचन में गए थे और वहाँ पे तकरीबन कोई 15 से 20 स्टाफ मेंबर जो हैं वो लगे हुए थे, हर बंदे को कोई ना कोई टास्क उन्होंने डेलीगेट किया हुआ था। एक बंदा फ्राइड राइस बना रहा था, एक बंदा जो है वो मछली तल रहा था, दूसरा बंदा जो है वो स्टर फ्राइड नूडल्स जो है वो बना रहा था। अच्छा ये सेवैयों की तरह की नूडल्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान या इंडिया में हम लोग सेवैयाँ बनाते हैं मीठी, वही वाली नूडल्स हैं, लेकिन इन्होंने पैड थाई में यूज़ की हैं, जो टिपिकल थाईलैंड का जो पैड थाई होता है वो नहीं है, ये स्टर फ्राइड नूडल्स हैं श्रिम्प के साथ, और इसमें सब्जियों का इस्तेमाल बहुत है जो कि मुझे बहुत पसंद है, और इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने ये लाल मिर्चों की चटनी दी हुई है हमें, तो हम थोड़ी सी ये लेंगे। वाह ओह बहुत जायकेदार है, बहुत मज़े की है। अच्छा सेवैयाँ जो है वो बिल्कुल बारीक हैं, पतली हैं, तो वो मुंह में जैसी जाती है वो बिल्कुल घुल जाती है, बहुत सॉफ्ट है। तो ये प्रॉन जो है यहाँ का बहुत मशहूर है, ये पूरी जगह जो है ये अपने सी फूड की वजह से जानी जाती है, तो नहायत फ्रेश प्रॉन है भाई, वाह। अच्छा ये हम दूसरी दफ़ा ट्राई कर रहे हैं थाईलैंड में स्ट्रीट फूड, क्योंकि इससे पहले जो है हमारी, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने पूरा दिखाया था कि जब हम लोग बैंकॉक पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया से, तो वहाँ पे भी हमने जिस मॉल हम लोग गए थे तो वहाँ पे एक स्ट्रीट फूड मार्केट लगी थी, वहाँ पे हमने जाके पैड थाई ट्राई किया था। अब मैं बगैर किसी इंतज़ार करवाए मछली को गर्मा गर्म ये ट्राई करते हैं, और जो भाई बना रहे थे वो मुझे बता रहे थे कि ये मछली जो है ये सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है हमारा। ओह यम, सारी चीज़ें एक तरफ, ये मछली जो है बाजी ले गई है, बहुत मज़े की मछली है भाई। स्वीट चिली का मुझे टेस्ट आ रहा है, हल्का सा टैमरिंड और चिली का टेस्ट आ रहा है,
और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे पार्सली और धनिया भी इस्तेमाल किया, धनिया इधर है, और नीचे जो है वो पूरा सैलेड का बेड बनाया हुआ है। तो ये जो है सलाद पत्ता है, लेकिन मछली बहुत मज़े की है। तो दुनिया में हमने काफ़ी जगहों पे रोड क्रॉस की है, लेकिन जो रोड क्रॉस करने का मज़ा बैंकॉक थाईलैंड में है ना, वो मेरे ख्याल से कहीं भी नहीं है। अच्छा, रश का आलम देख के लग रहा है मुझे जैसे मैं एम्प्रेस मार्केट या जोड़िया बाज़ार के इर्द गिर्द जो है घूम रहा हूँ कराची में, लेकिन ये है बैंकॉक और ये है यहाँ की नाइट लाइफ, हसल बसल, शोर शराबा, रौनक, गहमा गहमी। अच्छा, तो हमें यहाँ पे थाईलैंड की बड़ी मशहूर जगह मिली है, ये चाइना टाउन के ऊपर वाकई है, और इस जगह का नाम है स्वीट टाइम। तो इनके जो मीठे हैं, इनके जो डिजर्ट्स हैं, जो बिल्कुल ही मतलब यहाँ के ट्रेडिशनल थाई डिजर्ट्स हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। इस जगह रश देख के आइडिया हो गया है कि जगह जो है ना सिर्फ लोकल्स बल्कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनके बीच में बहुत मशहूर है, और इसीलिए इतनी लंबी लाइन लगी है। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं, वहाँ तक उस कोने तक जो है वो लाइन जा रही है, और लोग जो हैं वो यहाँ के डिजर्ट्स ट्राई करने के लिए ये ख्वारी भी काट रहे हैं। तो हम भी करेंगे, जाहिर है हम इतना दूर से आए हुए हैं, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे हैं इनके डिजर्ट्स। से ये काइंड ऑफ फालूदा लग रहा है, बिकॉज इसमें दूध का एलिमेंट है, नूडल्स का एलिमेंट है, और ऊपर कोकोनट और चेस्टनट है। सो लेट्स ट्राई इट, और बर्फ भी बहुत सारी है इसमें। वाओ, बहुत अलग है एक्चुअली, बिल्कुल फालूदे जैसा नहीं है। चेस्टनट्स जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी हैं। तो इसके अंदर इन्होंने कोकोनट मिल्क डाला हुआ है, और ये वही नूडल्स हैं जैसे हम सेवैयाँ जिनके बनाते हैं, लेकिन ये अलग अलग फ्लेवर्स आ रहे हैं मुझे, काइंड ऑफ लाइक कोई चेरी फ्लेवर और पाइनएप्पल फ्लेवर ऐसा। इसकी प्राइस थी 50 baht, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है फॉर 50 baht, बिकॉज एक बंदा आई डोंट थिंक ये ख़त्म कर सकता है केला। अच्छा, तो मज़ेदार किस्म का यहाँ का जो ट्रेडिशनल मीठा होता है वो ट्राई कर लिया है, अब वक्त आ गया, हम लोग गुजर ही रहे थे, अभी हम लोग चाइना टाउन में मौजूद हैं, और यहाँ पे हमें रिवायती वो जो थाई कोकोनट आइसक्रीम होती है ना, वो नज़र आ गई है। तो अभी हम लोग 2 दिन से थाईलैंड में मौजूद हैं, और अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ था ये ट्राई करने का, आज हमें नज़र आ गई है, तो ये खाए बगैर तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं जा रहे। और वो कहते हैं ना कि अगर आप थाईलैंड आ रहे हैं और यहाँ की थाई कोकोनट आइसक्रीम नहीं खा रहे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है आप टिकट लें और वापस चले जाएँ जहाँ से भी आ रहे हैं, क्योंकि ये खाना बनती है बॉस। अच्छा, जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि जिस चीज़ में वो बना रहे हैं, जिस चीज़ में आइसक्रीम निकाल के दे रहे हैं, वो असल में कोकोनट ही है, खोपरा ही है, और उसकी स्किन उन्होंने अंदर से गूदा जो है वो पूरा निकाल के बाहर रख दिया है, और उसका जो सिर्फ शेल है, आउटर जो आउटर शेल है, उसके अंदर जो है वो कोकोनट आइसक्रीम जो है डाल के, ऊपर से जो है वो मज़ेदार किस्म के पीनट्स भी हैं। तो बग़ैर इंतज़ार करवाए, ओ यम, वो कहते हैं ना कि कुछ खाने होते हैं जिनको खाने के बाद वो ऐसी जगह हिट करते हैं आपकी कि सारी जो आपकी क्रेविंग्स और टेम्पटेशंस होती हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये उनमें से एक है। ऐसे ऐसे नोट्स हिट हो रहे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ हिट हो रहे हैं कि जवाब नहीं है भाई, बहुत कमाल की चीज़ है ये। और इसी क्रेजी नोट पे हम ये वीडियो एंड करेंगे। मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी होप यू रियली डिड एंजॉय दिस वीडियो, और अगली वीडियो इसे भी मजे की होगी, सो डू नॉट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट बिलो एंड लेट अस नो कि हम कहाँ कहाँ जाएं। अल्लाह हाफिज़।